हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग सीरीज। आज हम लाइफ का रिलेटेड बात करेंगे। ऐसा क्या 10 चीज अगर हम एवरीडे लाइफ में फॉलो करेंगे तो इजीली हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस तो हम अचीव करना चाहते हैं, बट ऐसा क्या एक्टिविटी हमको फॉलो करना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट फॉर द टुडे सेशन। नमस्ते, नमस्ते टू एवरीवन। 10 डेली हैबिट्स टू अचीव योर सक्सेस। पॉइंट नंबर 1, प्लान योर डे। हमारे दिन को प्लान करना जरूरी है। हम लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दिन भर एरिया में हमको क्या चीज करना जरूरी है। नंबर 1 है प्लान आवर डे। हम डे को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए प्लान रहना जरूरी है। अगर विदाउट प्लान में अगर वो चीज करना चाहेंगे तो वो प्लान ही नहीं बन पाएगा एंड लाइफ आपका शेड्यूल नहीं बन पाएगा। सपोज आप एक घर बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप प्लान नहीं है, ऐसा विदाउट प्लान में अगर आप एक घर बना रहे हैं तो क्या वो घर घर जैसा दिखेगा? अगर एक घर को प्रॉपर प्लान के साथ बनाया जाएगा तो वो चीज कैसा लगने लगेगा, एंड विदाउट प्लान में अगर एक घर बनेगा तो वो कैसे दिखेगा? दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप भी लाइफ में ब्यूटीफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, वंडरफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान मोस्ट इम्पोर्टेंट। पॉइंट नंबर 2, वेक अप अर्ली मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना जरूरी है। यस, वेक अप अर्ली मॉर्निंग आल्सो अ पार्ट ऑफ द सक्सेस। क्यों जरूरी है सुबह जल्दी उठना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फर्स्ट थिंग्स, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आपको दिन में एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। सेकंड थिंग्स, अगर आप जो सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो दिन मॉर्निंग में ऑक्सीजन लेवल हाई रहता है, एनवायरनमेंट साइलेंस रहता है, तो मेडिटेशन करने के लिए अच्छा रहता है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इजीली आसानी से हम ऑक्सीजन मिल पाता है। दैट थिंग आल्सो हेल्प अस टू प्रोडक्टिव अबाउट इन आवर लाइफ आल्सो। पॉइंट नंबर 3, एक्सरसाइज। हमें एवरीडे लाइफ में एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, सक्सेस को अचीव करने के लिए हेल्दी रहना फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब तक आप हेल्दी नहीं होंगे आपका एक्टिविटी में आप इतना फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ कीप हेल्दी टू योरसेल्फ, आप हेल्दी रहने में हेल्प होगा। फर्स्ट थिंग्स, आपका वर्क में आप फोकस कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग्स, अगर जब भी आपका हेल्थ का चैलेंजेस आ जाता है, आप नॉट ओनली यू आर वेस्टिंग योर टाइम, उसके साथ आप हेल्थ गंवाते हैं एंड उसके साथ आपका मनी भी गंवाते हैं। सो दैट थिंग्स ऑल्सो विल बी सेव एंड यू विल बिल्ड योर फोकस आसानी से बना सकते हैं। दैट थिंग्स ऑल्सो हेल्प यू टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 4, मेडिटेशन। हमें एवरीडे लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ ए सक्सेस सिस्टम। हम दिन में अगर एक बार अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमको लेजी फील लगने लगता है, वीक फील लगने लगता है। अगर हम बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वीक फील लगने लगता है। अगर हम माइंड को एनर्जी नहीं देंगे तो वो कहाँ से वर्क करने लगेगा? अगर हम लाइफ में सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं तो मेंटल वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल वर्क, स्पिरिचुअली वर्क, एंड उसके लिए मेडिटेशन इज द फूड फॉर द माइंड। बुक रीडिंग, लर्निंग, दिस ऑल दिस थिंग्स फॉर द फूड फॉर माइंड। तो एवरी डे कीप कॉन्सेंट्रेट टू आवर सेल्फ। कुछ टाइम हमको मेडिटेशन में देना है सो हम डे को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रीडिंग एंड लर्निंग। हमें सक्सेस पाने के लिए रीडिंग और लर्निंग लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, लर्निंग इज द पार्ट ऑफ सक्सेस सिस्टम। बुक रीडिंग अगर हम करते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या होता है? सपोज आप एक बुक को रीड कर रहे हैं एंड जिन्होंने भी बुक को राइट डाउन किए हैं उनका सारा लाइफ का एक्सपीरियंस उन्होंने उसमें शेयर किए हैं, एंड आप जब वो बुक को रीड करते हैं, जितना टाइम में आप वो बुक को रीड करते हैं इतना टाइम में एक पर्सन का लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हम गैदर कर सकते हैं। उसमें नॉलेज बिल्ड होता है, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड थिंग्स, हम जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं। उसके लिए एक चीज बताया जाता है, लर्निंग इज द की टू द सक्सेस अबाउट इन लाइफ। सो उसके लिए कीप इट द लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट रखना जरूरी है तो हम एवरीडे वर्क एक्टिविटी से भी लर्न ले सकते हैं, एंड हर दिन कुछ टाइम हमको बुक रीडिंग में देना जरूरी है। सो डेफिनेटली दैट थिंग्स आल्सो हेल्प अस टू ग्रोइंग फास्टर एंड अचीव ग्रेट सक्सेस अबाउट इन लाइफ।
नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। हमें डिसिप्लिन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है और टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। यस, टाइम हमारा लाइफ में लिमिटेड ही रहता है, दिन में ओनली 24 आवर्स रहता है, बट 24 आवर्स को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बट 24 आवर्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए डिसिप्लिन रहना, सही टाइम पर सही वर्क करना एंड टाइम को प्रॉपरली बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सक्सेसफुल पीपल हमेशा टाइम का कदर करते हैं एंड डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को, एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, तो टाइम भी मैनेज हो सकता है एंड प्रोडक्टिव अपने आप हम बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क फॉर योर गोल। हमें गोल के बेसिस में एवरीडे लाइफ में वर्क करना जरूरी है। यस, वर्क फॉर योर गोल। वर्क के लिए बहुत सारा प्रोसेस रहता है, हमारा लाइफ में आ जाता है, बट बहुत सारा चीज़ों में हम फोकस नहीं कर सकते। अगर हम सारा चीज़ में फोकस करना शुरू कर देंगे एंड सारा चीज़ करना शुरू कर देंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको प्रायोरिटी करना जरूरी है, कौन सा टास्क हमारे लिए इम्पोर्टेंस है एंड कौन सा टास्क हमारा गोल है एंड उसी का बेस में हमको वर्क करना जरूरी है। सो दैट थिंग्स इट विल बी हेल्प अस द रिजल्ट्स, क्योंकि रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, नॉट योर एफर्ट्स आर रिवॉर्डेड। आप कितना एफर्ट्स दे रहे हैं और मैटर नहीं करता है, बट कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और मैटर क्रिएट होता है। सो दैट थिंग्स इट विल बी, यू मस्ट फॉलो द राइट थिंग्स विद द प्रॉपर मैनर, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर 8, ट्रैक योर फाइनेंस। आपके फाइनेंस को ट्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, ट्रैक योर फाइनेंस। हम फाइनेंस हमारा लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है एंड ज़्यादातर टाइम हम फाइनेंस के लिए भी वर्क करते हैं एंड फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द सक्सेस अबाउट इन लाइफ। तो हम फाइनेंस को प्रॉपरली अचीव कैसे कर सकते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे ला सकते हैं, फाइनेंस को किस कितना हम अर्न कर रहे हैं, कहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना मनी सेव कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। उसके लिए 50-30-20 रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। जितना भी हम अर्न करते हैं उसका 20% आपको सेव करना जरूरी है, 30% हम उसको हमारा वांटिंग के लिए लगा सकते हैं एंड 50% हमारा नीड के लिए दे सकते हैं। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, प्रॉपर फाइनेंस को ट्रैक करें एंड उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर 9, रिव्यू योर डे। हमें डे को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। यस, रिव्यू आवर डे। रिव्यू क्यों इम्पोर्टेंस है, हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटी हम सही करते हैं, कुछ एक्टिविटी गलत करते हैं, बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। जब तक हम डे को रिव्यू नहीं करेंगे तो क्या हमने सही किया है, क्या गलत किया है, उस चीज़ को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसको बदल नहीं पाएंगे एंड बदलना बहुत इम्पोर्टेंस है। गलत करना गलती नहीं होता है, ठीक है, गलत करना गलती नहीं होता, बट सही गलती को बार बार दोहराना बहुत बड़ा गलती होता है। तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें एंड हम तभी को वो गलती को रेक्टिफाई तभी कर पाएंगे जब हमको पता होगा हमने वो एक्टिविटी किए हैं, सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी चेंज दैट थिंग। उसके लिए रिव्यू बहुत हेल्प होगा हमारा मिस्टेक को और सही करने में एंड लाइफ में बहुत सारा अचीव करने में। पॉइंट नंबर 10, एक्सेप्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आए उसे एक्सेप्ट करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यस, एक्सेप्ट आवर डे एंड इट विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम। चैलेंजेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। दिन में बहुत सारे चैलेंजेस आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगा। फर्स्ट थिंग्स और सारा चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना जरूरी है। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। वंस अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ऑफ लाइफ का। जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आसानी से उसका सोल्यूशन को निकल सकते हैं। सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एंड प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम आएगा एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना वो हमारा टास्क रहता है। सो डेफिनेटली इट विल बी हेल्प अस टू अचीव ए ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। Little learning, little understanding can make your life wonder about in life. Follow the simple things, get success in your life. Thank you and love and respect to everyone. Thank you to everyone and love and respect to everyone. Yes.